गाइस वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो विद टाइगर की वाइंस। तो आज हम लोग साथ में, हम लोग के पहले इंट्रोड्यूस करा देता हूँ, साथ में पापा है, उसके बाद साकिब है, इजार है और आफ्ताब है और टाइगर की वाइंस है। तो आज के व्लॉग में हम लोग जाने वाले, मॉनसून का ये पहला व्लॉग हम लोग का माथेरान है और हम लोग बाइक पे आए हुए हैं, दो बाइक है, लोग आज एक्सप्लोर करेंगे और घूमेंगे माथेरान। तो वीडियो को मिस मत करना, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, लाइक करना, कमेंट करना कैसा लगा व्लॉग, जल्दी से कमेंट में ये मुझे जल्दी से जल्दी बताना। तो आज मैं एक्सप्लोर कराऊंगा आप लोगों को, मेरे साथ घुमाऊंगा और एंजॉय कराऊंगा माथेरान मॉनसून सीजन में कैसा लगता है। तो चलिए आज का सेक्शन देखेंगे और व्यूज देखेंगे, क्या बोलते हैं? चलो यहाँ से माथेरान का राइड स्टार्ट होएगा और मजा करेंगे हम लोग। फुल एंजॉय, फुल एंजॉय गाइस। मोस्ट डेंजरस घाट है गाइस माथेरान वाला, बहुत ही संभल के चल लेगा हम लोग को। खत्म हुआ ना, चेक कर लेना। चलो पब्लिक सब लॉग में, चलो चलो अभी। आग आ रहे भाई, कड़ाके सीन देखो और क्लाइमेट देखो। वाटरफॉल भी है, टॉय ट्रेन की ट्रैक है यहाँ पे, ये देखो एकदम एंजॉयमेंट चल रहा है यहाँ पे मानसून सीजन में। ये देखो यहाँ पे वाटरफॉल भी आ गए। लोग का 50 रुपये टिकट है, 250 हम लोग 5 लोग का हुआ है। अब एंट्री ले ली हम लोग ने माथेरान में। चलो मानसून जी, माथेरान में क्राउड बहुत ज़्यादा है, एक्सपेक्ट नहीं था। बाहर सिक्योरिटी वाले जो बोल रहे थे कि हम लोग को मानसून सीजन में इतना एक्सपेक्ट नहीं था जितना क्राउड होगा, लेकिन आज सैटरडे के दिन बहुत ज़्यादा क्राउड है क्योंकि पब्लिक अंदर बहुत है। मैं आप लोगों को बाहर से भी व्यू दिखाया। चलो फुल मजे, वीकेंड का वार सैटरडे। सलमान के साथ ओके ओके। डेढ़ दो किलोमीटर फुल वॉकिंग करके जाने गए। ये देखो कौन, शौचालय भी देखने को मिलेगा आप लोगों को, शौचालय। माथेरान का बोर्ड आ गया सामने, वेलकम टू माथेरान। माथेरान आपका स्वागत करता है फुल क्राउड के साथ। I
अब यहाँ से मंकी लोग के नज़ारे देखने को मिलेगा। ये तो सही में रिस्की है, जिंदगी रिस्की हो गई, बहुत स्लीपी है यहाँ पे। सो गाइस इन लोग से कोई भी छेड़छाड़ी नहीं करना हमको, ना ही वेफर लेके चलना है यहाँ पे, नहीं तो इन लोग अटैक करेंगे डायरेक्टली। इन लोग हम लोग पे देखा ना कैसे अटैक करते, यहाँ के मंकी लोग बहुत ही डेंजरस है, सो बी अवेयर। कैसा लग रहा है सीन और वेदर मॉनसून, जल्दी से कमेंट करके बताओ हम लोग को, है ना पापा? हाँ भाई। पीछे फॉग देखो, पीछे सीन देखो, एकदम कड़क। इंजॉय करो गली आप लोग। वड़ा पाव लेते क्या भाई? हाँ, 3 किलोमीटर वॉकिंग हो गया हम लोग का और थोड़ा सा हम लोग थक गए, तो पीछे हम लोग को कैंटीन दिखा है वड़े पाव का। पापा गए हैं वड़ा पाव लाने और चाय पीते हम लोग यहाँ पे, थोड़ा सा रेस्ट करके फिर हम लोग यहाँ से निकलते हैं आगे माथेरान के लिए। अभी अमन लॉज गए, इसके बाद आएगा डायरेक्ट माथेरान। तो क्लाइमेट और मॉनसून आप लोग देख रहे हो बहुत ज़बरदस्त है, फॉग भी आ रहा है थोड़ा थोड़ा, ये देखो मज़ा आ रही है अफ्ताब, एक नंबर मज़ा आ रही है गाइस। आप भी आइएगा, आप लोग भी आओ मॉनसून में यहाँ पे विजिट करो, कोई रिस्की नहीं है, कुछ नहीं है, यहाँ पे रहती बीती भी। फाइनली वड़ा पाव आ गया है और बारिश भी आ गई है, हैवी रेनफॉल हो रहा है, बहुत ज़्यादा हैवी हो रहा है, ये देखो। चलो अभी नाश्ता हो गया, अब नाश्ता होने के बाद बारिश हो रही है, अब निकलेंगे हम लोग। दिख नहीं रही है, थोड़ा ब्लर हो गया पापा। चलो अब थोड़ा सा जल्दी जल्दी वॉकिंग करना है और ऊपर पहुंचना हम लोग को, चले फटाफट। साकिब सही है आप? बहुत मजा आ रही है, बहुत ट्रेन का सीन कैसे लगा आप लोगों को ये भी कमेंट में बताओ, है कि नहीं? बारिश में वॉकिंग करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, वो इसलिए क्योंकि रेनकोट पहने, वो भी हैवी हो गया, बारिश से पानी भर गए और पैर भी एकदम हैवी हो गया, तो चलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, बट कोई बात नहीं, ऐसे ग्रीनरी और ऐसे सीन और ऐसा वेदर इंजॉय करना तो बनता है। इंजॉय करने के लिए कितनी भी ऊपर चलना पड़ेगा, वो तो अभी और जितनी हिम्मत रहेगी ट्राई करेंगे पॉइंट पे भी जाने के लिए, पॉइंट पे जाएंगे। मॉनसून सीज़न इज़ द बेस्ट सीज़न विजिट करने के लिए माथेरान। पहले बोलते थे कि बंद रहता है, ऐसा रहता है, वैसा रहता है, रिस्की होता है, बट अभी तक हम लोग को कोई ऐसा रिस्की या कुछ लगा नहीं है, तो ये बहुत ही बेस्ट है। फाइनली हम लोग माथेरान पे आ गए हैं और आप लोगों को मैं दिखाता हूँ माथेरान का रेलवे स्टेशन, जो कि टॉय ट्रेन का रेलवे स्टेशन है।
तो भाई ट्रेन का आप लोगों को मैंने टाइम टेबल ये रहा चार्ट में आप लोगों को दिखा दिया है। यहाँ पे टाइम टेबल आप लोग देख सकते हो, ये चार्ट है पूरा और इसका स्टॉप भी है, तो आप लोग ये देख लो। और मानसून सीजन में अभी हम लोग को ट्रेन तो दिखा है जो कि पूरा चालू है, इसके बाद का मुझे आइडिया नहीं है कि ये चालू रहेगा या नहीं रहेगा। ज़्यादा हैवी रेनफॉल की वजह से ये शायद बंद हो जाएगा, ये अभी बारिश इतना ज़्यादा नहीं है तो इसके वजह से ये चालू है। यहाँ पे फूड और ब्रेकफास्ट जो कि हम लोग ने किया तो थोड़ा बहुत ही कॉस्टली था मानसून सीज़न की वजह से, बड़ा एक 40 रुपीज़ का है और यहाँ पे एक टी 30 रुपीज़ की है, तो थोड़ा सा कॉस्टली हम लोग को देखने को मिल रहा है यहाँ पे। और फूड के बारे में तो अभी इतना आइडिया नहीं है, हम लोग इसके बाद अभी फूड में अभी जो भी खाएंगे पियेंगे उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि वो मुझे थोड़ी सी वॉइस स्लो आएगी तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना और कुछ नहीं। चलो अभी पॉइंट्स के लिए निकलते हैं हम लोग आगे। मैं लोगों को हॉर्स राइड का रेट बता देता हूँ, यहाँ पे 5 पॉइंट्स का हम लोग जो पूछे थे तो 5 पॉइंट्स का उसने बताया 750 बताया उसने, और यहाँ पे खाली ऐसी राइड करने के लिए 200 है, और फोटोज़ आपको खाली क्लिक करनी है तो उसके लिए 100 रुपीज़ है, तो थोड़ा सा कॉस्टली है, उसके लिए हम लोग बाय वॉकिंग प्रेफर करना पसंद करें। फिर यहाँ से निकलने का स्ट्रेट लेके, समझ गए क्या रे, हंडी काम हुई तेरी। चलो 5 पॉइंट यहाँ से सीधा ही है, इको पॉइंट, हनीमून पॉइंट, लुइस पॉइंट। तो सबसे पहले हम लोग इको पॉइंट जाने वाले हैं, इको पॉइंट एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद हम लोग पूरा पॉइंट घूम तो नहीं पाएंगे, सिर्फ मानसून सीज़न का माथेरान हम लोग एक्सप्लोर करने आए हैं मानसून सीज़न में, तो पूरा पॉइंट हम लोग एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे हम लोग का स्टे नहीं है, वन डे रिटर्न हम लोग यहाँ से चले चले। आप दो ये पकड़ ले, दो और दो 4 घंटा। चार लोड लेक, इको पॉइंट, किंग एडवर्ड पॉइंट, हनीमून पॉइंट, मलंग पॉइंट, लुइसा पॉइंट। ये रहा पीछे इको पॉइंट का बोर्ड, ₹50 का 6 चांस है, पहला चांस मैं खेलने वाला हूँ। दो मेरा देखिए, बूढ़ा पहला चांस मिस नहीं हुआ है, दूसरा कौन खेल रहा है, ये क्या बात है, दूसरा भी बूढ़ा, ये कलपत्ता तो फंसाएगा। अरे क्या बात है, 3-3, ये भिवंडी बॉय, चले ये वाला है क्या, खुद को भी अंटा पंटा कर खेल में तू खत्म। सो नाश्ता करने के बाद हम लोग वहाँ से नाश्ता किए, उसके बाद हम लोग जा रहे थे लुइस पॉइंट। लुइस पॉइंट पे जाते जाते हम लोग वहाँ पे सिक्योरिटी लोग खड़े थे, तो वहाँ पे बहुत कीचड़ था, तो उसके वजह से वहाँ पे हम लोग को रिस्की था मतलब पॉइंट पे, तो वहाँ पे हम लोग को जाने नहीं दिए, तो बंद कर दिए थे। तो हम लोग कवर किए एक ही पॉइंट, इको पॉइंट,
और हम लोग यहाँ पे मॉनसून में आए थे, तो थोड़ा सा वेदर देखने और क्लाइमेट देखने आए थे, तो देखने नहीं मिला। तो ठीक है, तो फूड का बता दूँ, जो रेस्टोरेंट में हम लोग ने ब्रेकफास्ट किया, लंच किया, तो वहाँ पे मैं आप लोगों को पूरा मेनू कार्ड पूरा आप लोगों को दिखा दिया। वो बहुत ही चीपेस्ट और अच्छा है वहाँ पे, अगर आपको खाना है पूरा दिन का, अगर मतलब नॉर्मली एक बजट होता है तो वो आप खा सकते हो वहाँ पे, जो कि शेज़वान राइस वहाँ पे सब कुछ अवेलेबल था। तो आप लोग चीपेस्ट में वो होटल को प्रिफर कर सकते हो। तो ठीक है, मिलते हैं, ब्लॉग को अब यहीं एंड करते हैं। होप ये ब्लॉग आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, फॉलो करना। इंस्टाग्राम की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दियो, वहाँ पे फॉलो करो। हम लोग रील्स भी बनाए हैं और शॉर्ट्स वीडियो भी बनाए हूँ मैं, वो भी अपलोड करूँगा। और आप लोग भी विज़िट करो मॉनसून में माथेरान, वेदर बहुत ही अच्छा है, फॉग भी है, मज़ा आया। बात है नेक्स्ट व्लॉग के लिए, इंशाल्लाह देखते हैं कहाँ का नेक्स्ट व्लॉग होगा, ट्रेवल जर्नी हमारी। चलिए टाटा सी।